गोइंग इन टू दिस मूवी इन द सिनेमा आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, क्योंकि हाइप इतनी थी. एक तो इसकी हाइप बड़ी थी, एक मुझे बारबी की समझ नहीं आ रही क्यों इतनी हाइप थी. बारबी में ऐसा क्या है, बारबी इज लाइक. हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है. दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग. आज का व्लॉग मैं अपनी जॉब की पार्किंग लॉट से शुरू कर रहा हूँ. एनीवेज, अभी का प्लान ये है कि मैंने जाके करना है काम, ठीक है. काम करने के बाद थोड़ी देर बाद ना मेरा प्लान बन रहा है, एक ऑफिस में लड़का आता है इस्माइल, और सभी आपको मिलाता हूँ. वो इस्लामाबाद से आया हुआ, वो भी इधर पढ़ने आया था, वो भी मेरे साथ काम कर रहा है. इधर ही हम ना चाय शाय साथ पीने जाएंगे. एक और लड़का है जो इस्माइल कह रहा है कि मुझे देखता है यूट्यूब के ऊपर, और इस्माइल को उससे पता चला था. मैं आपको मिलाता हूँ, सारी स्टोरी बताता हूँ. इट्स रियली फनी यार how YouTube can connect you to like you know certain people in life. मैं आपको उनसे मिलाता हूँ जब हम चाय शाय पीने जाएंगे. पहले जरा मैं काम पे चला जाऊँ. Later. हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये कि हम पहुंच गए हेलो इंडिया. ये मेरे साथ है इस्माइल, दोस्त जो मेरे साथ काम करता है. इस्माइल knows me through his friend first, कि इसका आपका जो दोस्त है वो मेरे व्लॉग देखता है, तो उसने कहा वो भी इधर ही काम करता है. तो मुझे ना, हमने ना इसने मुझे ईमेल किया कि ना मिलते हैं, तो हम मिले तो ना मुझे आके मेरे से सलाम अलैकुम उर्दू में बात शुरू कर दी. तुम कह रहे थे क्या मैं अंग्रेजी बोल बोल के तंग आ गए लोग. पहले पाकिस्तानियों से मिले हो तो ये यहाँ पे मसले होते हैं कुछ ना, कि जब आप आते हो ना आपको पाकिस्तानी नहीं मिलते, तो एक अपना जो दोस्त शोस्त मिलते हैं ना उनसे सीन गुड हो जाता है. एनीवेज, हम जरा चाय शाय पीते हैं. एक और बॉय है जो मुझे स्माइल बता रहा था, जो मुझे देखता है अपेरेंटली यूट्यूब पे. तो लेट्स सी. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है. गुड पार्ट यार, मैं ब्लॉक करो, माइंड तो नहीं कर रहा. कोई मसला नहीं. क्या नाम बताया आपने? उमर. उमर, मुझे तो मूसा. आपको तो जानते ही हैं. मैंने कहा यार इस बॉय को यूट्यूब में मुझे देखता है, इसको मैं अपनी वीडियो में डाल लेता. मुझे स्माइल बता रहा था, कह रहा था कि आपने उसको बताया, ठीक है, कि यहाँ पे काम करता है, तो तुमने जाके मिल लो. तो इट्स वेरी फनी यार एक्चुअली, कहाँ छोटी सी दुनिया है. थ्री लार्ज टीज प्लीज. और इस तुम लोगों को भूख लगी तो यहाँ पे कुछ है भी? पक्की बात है? पक्की बात है. चाय तो पी रहे हो ना? चले सर, सर पीछे हो जाए. सर ये बड़े भाई हो ना आपका? ऐसे तो नहीं होती, ये बातें नहीं होती. ऐसे नहीं होता ना, ऐसे तो इज्जत खराब होती. पर ब्लॉग भी तो बन रहा है. लोग कहेंगे अपने फैंस को खिलाता नहीं है. नहीं फैंस नहीं यार, अब भाई हो. आज आज ना हमने चाय शाय पी रहे थे, अपनी बात कर रहे थे. हम हेलो इंडिया आते ना तो हम कहते हैं यार ये जो इंडियंस है ना, अभी वो इंडियन क्राउड भी देखती है यार. प्लीज अपना गेटअप अच्छा कर लो यार. तुम लोग आते हो, बंदे को पता ही नहीं चलता. आते निकलते बेंटली, अभी बेंटली हो गुजरी है, टेस्ला आती है. लेकिन ना हम यही बात कर रहे थे कि यार मतलब के माशाल्लाह, लेकिन इनकी एक बात है कि यार हार्ड वर्किंग लोग. मतलब आप किसी कंपनी पे भी जो इंडियन लोग होते हैं ना स्पेशली, आप देखो सबसे ज्यादा काम यही लोग कर रहे होते हैं. मैं बस आप लोगों को ये कह रहा हूँ यार, अपना स्टाइल बढ़ा लो थोड़ा सा यार, इज्जत बढ़ेगी यार, हम भी साथ रुल जाते हैं. तुम लोगों ने आज ओपनहाइमर मूवी देखने जाना? मैं कल देख के आया हूँ उसका भी. मैंने ना भी हाँ, मैं कल देख के आ गया, भी मैंने उसका रिव्यू करना है. लोग कह रहे थे कि रिव्यू करो. बी ऑनेस्ट विद यू, अभी तो मैं रिव्यू दूंगा ब्लॉग में. स्पॉइलर नहीं दे रहा, स्पॉइलर हिस्टोरिक इवेंट है यार. वैसे क्या स्पॉइलर दूं, फाड़ दी उन्होंने एटम बम भाई, नागासाकी हिरोशिमा में फाड़ दी. कहते स्पॉइलर ना दी मुझे. इट्स अ मूवी व्हिच इज समथिंग यू शुड वॉच इन योर लैपटॉप अलोन विद सबटाइटल्स. ये थोड़ी समझने वाली मूवी, क्रिस्टोफर नोलन का ये मसला है. तो सिनेमा में ना तुम्हें थोड़ी समझ मुश्किलों से आएगी, लेकिन आ जाएगी. फिर भी देखो, लंबी मूवी है. ऊपर से ये लोग देखने जा रहे हैं रात के 10:30 बजे. मैंने कहा तुम 1:30 बजे निकलोगे रात को बाहर. अभी मैंने एक कंप्लेन भी करनी है, मैंने बताना है. मैं गया ना कल मूवी देखना, एसी बंद कर दी यार उन्होंने आखिरी घंटे में. यार अर्विंग वाला बड़ा अच्छा सिनेमा है, सोफे लगे हुए उधर अंदर. हाँ एएमसी है, एएमसी है ना, एसी बंद कर दिया. मैं गर्मी में, मुझे लग रहा है मेरे भी यहाँ तक पहुंच गई रेडिएशन एटॉमिक बॉम्ब की. इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ गुड वॉच. नोलन के ये मूवीज का इंटेंसिटी बड़ी अच्छी डालता है मूवी के अंदर. सबटाइटल्स के बगैर ना ये चीज समझ इतनी नहीं आनी. मुझे आधी मूवी समझ भी नहीं आएगी क्या हो रहा है. आई विल बी ऑनेस्ट, मैं कब से मूवियां देख रहा हूँ. मैं आपको रिव्यू देता हूँ, बताता हूँ क्या. अभी जरा बॉयज से बात कर रहा हूँ. एनीवेज, 2 hours later. हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, सीन हम काम से वापस आ गए हैं, तो अब आता है मूवी रिव्यू टाइम, ठीक है. गोइंग इन टू दिस मूवी इन द सिनेमा आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, क्योंकि हाइप इतनी थी. एक तो इसकी हाइप बड़ी थी, एक मुझे बारबी की समझ नहीं आ रही क्यों इतनी हाइप थी. बारबी में ऐसा क्या है, बारबी इज लाइक एनी अदर सिनेमैटिक अडैप्टेशंस. अभी लिटिल मरमेड आई थी, उसकी तो इतनी हाइप नहीं थी, बारबी की. बारबी में पता नहीं. और मैं देख रहा था सारी लड़कियां लड़के पिंक पिंक कपड़े पहन के जा रहे हैं. मैं अपने कुछ दोस्तों से इनसे भी बात करना, मैं कहता कि अमेरिका में लोग कितना फन डिप्राइव्ड है कि उनको बारबी के लिए तैयार होकर जाना पड़ रहा है. ओपनहाइमर यार इट्स अ वेरी लॉन्ग मूवी, इट्स अ 3 hour मूवी, और इसमें तुम ये एक्सपेक्ट ना करोगे हू हा एक्शन है. इट्स द होल मूवी इज बंच ऑफ पीपल
sitting in rooms and talking about creating a bomb and it's basically all about arms race with the Nazis, ठीक है? इस मूवी की मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि हमें रॉबर्ट ऑपेनहाइमर जो मेन कैरेक्टर है इसका पता ही नहीं था. मैं बचपन से ये सोचता था कि जो एटॉमिक बॉम्ब है ना वो आइंस्टाइन ने बनाया था, ठीक है, और उसने जैसे ही बनाया था उसके बाद अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे जाके बॉम्ब फाड़ दिया. ऐसा कोई नहीं था भाई, उसके पीछे पूरी हिस्ट्री है, पूरे हिस्टोरिक इवेंट्स हैं. तो बेसिकली उसमें बताया जाता है कि फिशन रिएक्शन है वो जर्मनी ने जो नाट्सीज हैं उन्होंने डिस्कवर कर लिया था, बट दे स्टिल डिडंट नो हाउ टू लाइक पुट इट टू यूज. ओपेनहाइमर था, ठीक है, इसने कमेटी रखी, उसने कहा कि इस चीज को हम एक बॉम्ब बनाने के तौर पर यूज कर सकते हैं. सो ही गैदर्ड a bunch of scientists from around America, around from the world. उन्होंने basically दिखाने की कोशिश की है जिन्होंने bomb बनाया था ना physicists ने वो evil लोग नहीं थे. They were just creating this bomb so that Nazis जो Germany है अगर उनके पास atomic power America से पहले आ गई तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. और Russians, right? America wanted to be the first one to make this. So they have the control over the world. Obviously, यार अगर आप एक अमेरिकन हो, ठीक है, आप पाकिस्तानी हो, आप चाहोगे आपके मुल्क के पास सबसे जदीद टेक्नोलॉजी आए. पेसिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब कि लाइक समझ नहीं आती कहाँ से कहाँ जंप मार रही है. दूसरा थिंग सिनेमा में ना थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी इतनी मजे की नहीं थी, मुझे काफी डायलॉग्स मिस हो गए मेरे जो मुझे इतना समझ नहीं है. तो ये ऐसी मूवी है 3 घंटे की जो सिनेमा में जाके बंदा देख तो ले, क्योंकि उसका एक जिसमें अंदर मोमेंट था बहुत मजे का था. उसके अंदर जब वो बॉम्ब टेस्ट करते हैं एटॉमिक बॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट वाज अ वेरी इंटेंस सीन. तो वो तो सिनेमा में देखने वाला है. बाकी थ्रू आउट द मूवी सबटाइटल्स के साथ देखने वाली. अब सबटाइटल्स के साथ देखोगे फिर आपको प्रॉपर हिस्टोरिक इवेंट्स की समझ आएगी, ठीक है. उस तरह की मूवी नहीं है जो आप जाके बड़ा एंजॉय करोगे. एक इंटरेस्टिंग सी मूवी है, लाइक जाके देखो आपको हिस्टोरिक इवेंट की समझ आएगी. सिनेमैटिक्स बहुत खूबसूरत है इसकी. जो क्रिस्टोफर नोलन है ना जो ये IMAX 70 पे रिकॉर्ड करता है यार, इतना प्यारे सिनेमैटिक्स, इतनी क्रिस्प वीडियो क्वालिटी, वो देखने का मजा आता है. दैट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. एक तो मुझे समझ नहीं आती अमेरिकन या हॉलीवुड वाले नंगे सीन क्यों डाल दे, तो यार क्यों तुमने चूचे दिखाने होते हैं हर सीन में, मेरी समझ नहीं आती. लाइक आई रियली थिंक मतलब कि ये न्यूडिटी क्या मतलब है इसका, ना दिखाए तो भी मूवी बन जाएगी. आई मीन न्यूडिटी के बगैर भी बड़ी अच्छी मूवी थी. गेम ऑफ थ्रोन्स का भी यही सबसे बड़ा इशू था, हर सीन में I'm sorry for my language, but हर सीन में समझ रहे हो. एक दफा मुझे याद है मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा था मैं अपने कजन के साथ ना न्यूयॉर्क में. तो मैंने उसको कहा था कि यार लगा ले लार्ज टीवी पे, लगा ले कुछ नहीं होता. उसने कहा नहीं 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 यार नहीं लगाना गेम ऑफ. तो मैंने कहा लगा ले. तो हम लैपटॉप पे देख रहे हैं एकदम से चीखों की आवाज़ और मेरा नेबर जो है ना वो भी बंदूक लेके बाहर आ गया कि भाई क्या सीन हो गया. तो खैर एनीवेज एक गंदे गंदे सीन हॉलीवुड यार ये क्यों डालते हैं मेरी समझ से बाहर है यार. मतलब कि बच्चे अपने बंदा फैमिली के साथ बैठा होता है, वो बंदा बच्चे के साथ बैठा होता है सामने आपके आ जाता है बगैरती आ जाती है. तो खैर ये मेरा मूवी का रिव्यू है, बड़ा अजीब सा रिव्यू होगा, शायद आपको अच्छा लगा ना लगा. लेकिन अभी सीन ये है कि मुझे लग रही है बहुत ज्यादा भूख और प्यास, तो हम काटेंगे वाटरमेलन. अगेन लाइक आई सेड मूवी जाके देखो अगर आपके पास पैसे और टाइम है. एट द एंड ऑफ द डे ये मूवी ऐसी है जो आप घर बैठ के अकेले देखो लैपटॉप के ऊपर सबटाइटल्स के साथ, फिर ही आपको समझ आएगी मूवी के अंदर हो क्या रहा है. बाय द वे रिसेंटली एक मैंने कमेंट पढ़ा था, किसी ने कहा था कि मूसा खाना बंदा बड़ा अच्छा है लेकिन व्लॉग्स इसके बोरिंग है. एक बंदे ने आते कैसे बात किया, ये तो वही बात होगी बंदा कह यार बंदा बड़ा नाइस है बट ही गेट्स नो बिचेस. जैसे अच्छा तुम कहते मूसा खाना बंदा बुरा है लेकिन उसके व्लॉग अच्छे हैं. I would have appreciated that. So I hope कीड़े पड़े तेरे मुंह पे जिसने ये कमेंट लिखा, ठीक है, ना ऐसी बातें किया कर. होश में आ, हबीस के बच्चे. फिर आप लोग ना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार आर्ट का ट्यूटोरियल बनाओ, आर्ट का ट्यूटोरियल बनाओ. तो मैंने आर्ट की और सप्लाईज मंगवाई हैं, वो आज आ जाएंगी आज और कल में. तो जो वो आएंगी ना तो मैं उनको आपकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा, फिर मैं आपको एक छोटा सा आर्ट ट्यूटोरियल भी दूंगा, कोई कार्टून नेटवर्क का पुराना कार्टून आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मेरा प्रोसेस क्या होता है आर्ट का. रिसेंटली अभी बस ये देख लो, हर व्लॉग में आपको दिखाऊंगा. ये मैंने गोजो बनाया है वो जुजुत्सु काइज़न वाला, ये मैंने क्रोलो बनाया है, इसको मैंने सही करना है, थोड़े वाइट स्पेसेस नज़र आ रही होंगी बट. और मैंने इंस्टाग्राम पे लगाया था ये अटैक ऑन टाइटन वाला जो मैंने लास्ट व्लॉग में नहीं दिखाया था मैं बना रहा था. तो डोंट वरी ट्यूटोरियल आ रहा है सून, अभी मेरी आर्ट की सप्लाईज आती हैं. आज का व्लॉग यही था, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, और भाई के लिए बहुत सारी दुआएं, आपके लिए भी इंशाल्लाह दुआएं करेंगे. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. वैसे ऑन साइड नोट आप लोगों ने नोटिस किया कि केला एक ऐसी चीज है जो बंदा खा के टफ लग ही नहीं सकता. लाइक मैं ऐसी रैंडम तौर पर मैं ये केला खाने लगा तो मैं सोचूं यार केला खाते हुए बंदा मतलब मैनली कैसे लगे, थोड़ा टफ कैसे लगे, नहीं रख सकता. आप केले को किसी एंगल से भी खाओ लगोगे आप फैट.